कवि परिचय की अगली कड़ी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुंवर नारायण जी को, जिनका जन्म 1927 में हुआ और मृत्यु 2017 में। आधुनिक काव्य के महत्वपूर्ण कवि, चलिए देख लेते हैं इनका जीवन परिचय। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्राएं की। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतन परक लेख, कहानियां, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केरल का कुमारन पुरस्कार। इनकी रचनाएं हैं, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं बच्चों। प्रथम सप्तक, दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक, ये सप्तक के नाम से कुछ संग्रह हैं जिसमें 7 कवियों को शामिल किया जाता है। तो ये जो तीसरा सप्तक था जिसमें प्रमुख 7 कवि थे, उनमें इनका भी नाम आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य संग्रह चक्रव्यूह, जो 1956 में प्रकाशित हुआ, फिर परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, प्रबंध काव्य आत्मजयी, कहानी संग्रह आकारों के आसपास, समीक्षा आज और आज से पहले, और सामान्य, मेरे साक्षात्कार, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं थी। इनकी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? कवि ने कविता को अपने सृजन क्रम में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। कुंवर जी नारायण नगरीय संवेदना के कवि हैं। इनके यहाँ विवरण बहुत कम है, परंतु व्यक्तिक तथा सामाजिक उपापह का तनाव पूरी व्यंजकता में सामने आता है। इनकी तटस्थ वितराग दृष्टि, नीच खसोट, हिंसा प्रतिहिंसा से सहमे हुए एक संवेदनशील मन के आलोचनों के रूप में पढ़ी जा सकती है। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन भी मिलता है और उसका सहज सौंदर्य भी। सीधी घोषणाएं और फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते, क्योंकि जीवन को मुकम्मल तौर पर समझने वाला एक खुलापन इनके कवि स्वभाव की मूल विशेषता है। तो भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं का विशेष गुण है, और यथार्थ का खुरदरापन भी है और सहज सौंदर्य भी है। सीधी घोषणाएं फैसले इनकी कविताओं में नहीं मिलते। तो कुंवर नारायण जी का परिचय हमने समझ लिया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।